Hello students, today we will be solving a question of class 10, Mathematics, and the chapter is Statistics. Here's the question, the mean of the following data is 50. ये हमें data दे रखा, इसका mean है 50, हमें निकालना है A and missing frequencies जो XI 30 की है, मतलब ये वाली, और 70 वाली, ये वाली, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास XI FI दे रखा, तो mean का formula use करेंगे, XI हमें given है, FI, हमें क्या चाहिए होता है, xi fi चाहिए होता है, xi fi चाहिए होता है. तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ. xi है 10, 30, 50, 70, 90. fi की वैल्यू हमें दे रखी है 17, 5a plus 2, 32, 7a minus 11, और ये उड़ा है 90. अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. ये हो जाएगा 170, 30 इंटू 5a प्लस 3. ये हो जाएगा हमारे पास 150A प्लस 90, 32 इंटू 50, ये हो जाएगा हमारे पास 1600, 70 इंटू 7A माइनस 11, तो ये बन जाएगा हमारे पास 490A माइनस 770, और 90 इंटू 9 हमारे पास हो जाएगा 1710. ओके, हमारे पास सारे टर्म्स आ गए यहाँ पे, एफ आई एक्स आई सब कुछ आ गए. मीन का फॉर्मूला लिख लेते, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई. समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब मीन हमारा एक्स बार होता है, तो सबको एफ आई एक्स आई मतलब इन सबको प्लस करके जो आएगा, और समीशन जो एफ आई यहाँ पे आएगा प्लस करके, ठीक है? अगर हम इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वैल्यू, 170 150 ए प्लस 90, 1600 प्लस 490 ए माइनस 770 प्लस 1710 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं सबको ऐड करूँगी, 17 5a प्लस 3 प्लस 32 7a माइनस 11 प्लस 19, ठीक है? अगर इसको सबको ऐड करते हैं हम लोग, विल गेट 640a प्लस 2800 डिवाइडेड बाय 12a प्लस 60, और एक बार की वैल्यू हमें दे रखी है 50. तो अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 640A प्लस 2800 इज इक्वल टू 600A प्लस 2000, ठीक है? अब A की वैल्यू यहाँ से, मतलब A को इस साइड ले जाएंगे तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, राइट? तो अगर A की वैल्यू हम निकालें तो A आ जाएगा हमारे पास कितना, मतलब ये जगह 40A और ये हो जाएगा हमारे पास 200, तो A की वैल्यू आ गई 5. पहले तो बोला था A की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास सिंपल आ गया. अब आ गया एक्स आई इज इक्वल टू 30 में ये निकालना, तो हमारे पास फॉर एक्स आई इज इक्वल टू 30 हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 5A प्लस 3, मतलब 5 इंटू 5 प्लस 3, 25 प्लस 3 28, राइट? ये तो आ गया. अब पूछा है किसके लिए, फॉर एक्स आई इज इक्वल टू 70, फ्रीक्वेंसी निकालनी है फिर से, ये हो जाएगा 7a माइनस 11, 7 इंटू 5 माइनस 11, 35 माइनस 11, ये हो जाएगा हमारे पास 24. तो दोनों फ्रीक्वेंसी आ गए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.